स्वागत है हकीम साहब। बहुत धन्यवाद। हकीम साहब, एक प्रश्न का उत्तर जानना बहुत ज़रूरी है कि जो लोग आपके नुस्खे अपनाते हैं, कुछ को तो बहुत जल्दी फ़ायदा हो जाता है, लेकिन कुछ पेशेंट हमारे साथ ऐसे जुड़ते हैं जिनका शब्द सिर्फ एक होता है कि हकीम साहब, हमारा दर्द तो बेइंतहा बढ़ चुका है, अब कैसे इससे राहत पाएं। तो जो नुस्खे आप बताते हैं, कुछ पेशेंट के साथ ऐसी दिक्कत परेशानियाँ क्यों आती हैं कि उनका दर्द जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है? देखिए, जब हमारे जिस्म के अंदर दवा प्रवेश होती है तो हमारे जिस्म की एक प्रवृत्ति होती है, हर किसी की, और एक मर्ज़ की प्रवृत्ति होती है। तो उसके जिस्म में जब जाके दवा काम करना शुरू करती है तो हमारे इम्यूनिटी ही उसको साथ लेकर काम करती है। अब किसी डॉक्टर या हकीम का काम ख़त्म हो जाता है, अब तीन चीज़ें काम करती हैं, उसकी बॉडी, दवा और भगवान का आदेश। अब किसी की बॉडी ऐसी होती है कि बहुत जल्दी से रिकवर करती है हर चीज़, किसी की इम्यूनिटी ज़्यादा होती है तो बहुत फ़ायदा मिलता है, दवा को आसानी हो जाती है, किसी की अगर इम्यूनिटी कमज़ोर होती है तो उसे देर लगती है दवा को काम करने में। और फिर उम्र पर भी डिपेंड है कि किसकी कितनी उम्र है। कम उम्र के लोग जल्दी फ़ायदा अक्सर उठा लेते हैं, और उस पर भी डिपेंड करता है कि आदमी वो परहेज़ या वो एहतियात करता है जो किसी रोग के साथ उन्हें बताई गई है। स्वागत है आपका जी। कृष्णा जी, स्वागत है आपका। हाँ, राधे राधे। राधे राधे, कहाँ से बात कर रही हैं? आपका सवाल क्या है? मुझे थायराइड है। हाँ, वो गैस बहुत ज्यादा बढ़ती है, तो सूजन रहती है। उम्र क्या है आपकी? 60 के करीब है। ठीक है। अच्छा, देखिए, सिर्फ थायराइड ठीक कर लें आप अपना, और थायराइड का अच्छा होना मुमकिन है। पेट की तकलीफ अपने आप जाएगी आपकी। जैसे थायराइड पूरे सिस्टम को से छेड़छाड़ करता है, पेट से भी, हाजमे से भी। और देखिए, एक नुस्खा बहुत कामयाब है, जब से भी मैं बता रहा हूँ, और जिस घर तक ये पहुँच गया उसके लिए आसानियाँ हुई। और आपका लिखना ज़रूरी है, और लिखना यह है कि 300 ग्राम धनिया का दाना, 300 ग्राम धनिया, 100 ग्राम सूखा हुआ आंवला, 100 ग्राम सूखा हुआ आंवला और 100 ग्राम मेथी दाना, और एक आता है गौंद मोरिंगा सफ़ेद, ये आप 100 ग्राम लें। असली लेना सफ़ेद वाला, याद रखें सफ़ेद वाला लेना है। पाउडर बनाएं और एक चम्मच सुबह खाली पेट खाएं। जब आप गोली खाते हैं थायराइड की, वो भी खाना है, अभी छोड़ना नहीं वो गोली, ये उस वक्त खाएं, बाद में, पहले या साथ में, ये कोई नुकसान नहीं देती। और एक चम्मच शाम को खाने के बाद पानी गर्म पिएं 5 बार दिन में। 7-8 महीने अगर आपने लगातार ये लिया तो आपका रोग मुक्त होना मुमकिन है। अगले कॉलर हैं बाराबंकी से, AK जयसवाल जी, स्वागत है आपका। आदाब जयसवाल साहब, बताइए क्या सवाल जी। अकीम जी, हमारे वाइफ को 1.5-2 साल पहले वो हुआ था साइकिका, तो एस केयर लिया था, उससे ठीक हो गया था। अब इस समय वो माजून आर केयर ले रही है और कैप्सूल पी केयर ले रही है, तो उनको कभी कभी पीठ में या पसलियों में दर्द हो जाता है, कभी कभी। अच्छा, साइटिका भी हो गया क्या फिर उनको? 1.5-2 साल पहले हुआ था। अब नहीं है ना? नहीं, अब तो नहीं है था। अच्छा, कुछ दिन आप वो एसकेआर का कैप्सूल कुछ दिन आप उन्हें दिया करें, थोड़ी सी गुंजाइश रह गई है, बस एक ही दें रोजाना, काफी होगा, उनके जोड़ की पूरी मरम्मत हो जाती है। और ये दवाएं आप लेते रहें, 5-6 महीने अगर लेंगे तो आपके दूसरे रोगों में भी फायदा होना मुमकिन है।
आइए बात करते हैं अगले कॉलर से। स्वागत है आपका। जी चौरसिया जी बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं? हम जौनपुर से बात कर रहे हैं मैडम। ठीक है, आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल है, मैं कल हाकिम साहब से पूछा था कि मेरा लीवर बढ़ा हुआ है, उन्होंने आपको बताया था जैतून नमक लेना, लेकिन दो तीन सवाल अभी मेरे और रह गए थे, मैं उनको नहीं बोल सका। क्या क्या सवाल थे बताइए। हाँ, पहला तो सर कि हमको थायराइड आज 20 वर्ष से है, थायराइड और पेट में गैस बहुत बनती है और मुझे कब्ज भी रहता है। ठीक जी, तो देखिए सबसे पहले लीवर ठीक कर लें, और ये जो जैतून नमक मैंने बताया था ये आपकी गैस को भी फ़ायदा करेगा और बीपी में भी आसानी करेगा। सबसे पहले लीवर ठीक होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पूरी बॉडी पर कुछ दवा काम नहीं करेगी। और आपका थायराइड भी ठीक होना मुमकिन है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ सबसे पहले लीवर ठीक करें, उसके बाद थायराइड का नुस्खा भी आप ले सकते हैं। इतना हो जाए कि आपका लीवर अपना काम सही अंजाम देने लगे, फिर आपके हर चीज़ की का इलाज होगा, और गैस और पेट का तो इसी से काफ़ी इलाज हो जाएगा। सबसे पहले ये पेट को ठीक करते ही काम करता है। जैसे देखिए लीवर का पेट से बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है, और एलोपैथ में तो लीवर का कोई डॉक्टर नहीं होता, गैस्ट्रोलॉजिस्ट ही इलाज करता है, और वो गैस्ट्रोलॉजी पेट का इलाज करता है, लीवर ठीक होता है। तो ये पेट को ठीक करते हुए आपका काम करेगा, और ये ठीक हो गया तो आप बहुत तंदुरुस्त हो सकते हैं। अगले कॉलर है छत्तीसगढ़ से आकाश कुमार साहू जी, स्वागत है आपका। हकीम सर नमस्ते। जी आदाब। हाँ सर, वो मैं अर्थराइटिस पेन है सर, और वो मंगाया था गोंद से तो काम ही नहीं कर रहा है। अच्छा, कितने दिन से ले रहे हैं? 21 दिन हो गए सर, कुछ फर्क ही नहीं पड़ा है। और सवाल है मेरा। पहले यही रुक जाइए, पहले यही रुक जाइए। आपका दर्द या तो बढ़ गया होगा या कम हुआ होगा, क्या हुआ है? हाँ, बढ़ता ही जा रहा है, कोई कम ही नहीं हुआ है। ठीक है ठीक है, ये अच्छा, ये अच्छी बात है, दवा तो काम कर रही है। और दूसरा सवाल बताइए सर। और वही पेन किलर लेते लेते लीवर और कितनी हल्का परेशानी आया था, और गैस 2 हफ्ते बहुत ज्यादा मार रहा है गैस, और सांस फूलने जैसा लगता है, और मस्तक भी अच्छा नहीं लगता। ठीक है ठीक है। अच्छा देखिए, जहाँ मैंने आपको गौनस्याह बता दिया और आपके तक असली पहुंच गया, मेरा काम खत्म हो गया। अब आपकी बॉडी का काम है और आपके रख रखाव का, और आपका और भगवान का काम है। जिनको दर्द बढ़ता है वो भी ठीक होते हैं, जिनको कम होता है वो भी ठीक होते हैं, जिनका वहीं का वहीं रहता है वो लोग ठीक नहीं होते। तो मैंने इसलिए आपको बीच में रोक कर पूछा था कि या तो बढ़ा होगा या कम होगा, इतने दिन में कम या ज़्यादा ज़रूर होता है, और ठीक 1 हफ्ते बाद आपका दर्द कम होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये दर्द की दवा नहीं है, नहीं तो इससे दर्द बढ़ता नहीं, कम होता। जो भी आप दवा आज तक खाते थे वो दर्द की ही थी, ये पहली बार आप मर्ज़ की दवा खा रहे हैं, इसलिए आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। कुछ दिन और दर्द की दवा लें, भारी नहीं तो हल्की दवा लें, और इसको लेते रहें, आपको फ़ायदा मुमकिन है। MP से है शुभम, स्वागत है आपका। हेलो हकीम साहब। जी आदावर साहब। हमारी आंखों की रोशनी, आपकी आंखों की रोशनी चश्मा लगा है जी। अच्छा बेटा, पूरी बात बताइए, कितने नंबर का चश्मा है, कितनी उम्र है? 17 साल की उम्र है। और नंबर क्या है आपका? 5 नंबर है। ठीक है। अच्छा देखिए, अब जिसकी भी आँखों की रोशनी यानी बीनाई कमज़ोर होती है, वो जब तक उसकी ग्रोथ होती है जब तक कमज़ोर होती रहती है, यानी ग्रोथ की उम्र 18 साल है,
तो अगर आप 18वें साल में हैं तो अब ये कमज़ोरी होना इसकी बंद हो जाएगी, यहीं रुक जाती है ये। और अगर आप देखिए ये जो गाजर है, गाजर का जूस, ये रोज़ एक गिलास पीना है आपको, और इसमें मिलाना है आधा ग्राम गौन मोरिंगा सफ़ेद। गौन मोरिंगा सफ़ेद एक गौन है, ये गौन रॉ मटेरियल लेना और सफ़ेद वाला लेना, और लाल वाला मत लेना, वो नकली होता है। आधा ग्राम एक गिलास गाजर के जूस में मिलाकर आप रोज़ पिया करें, और कभी गाजर ना हो तो सौंफ के पानी में एक दो चम्मच सौंफ का उबालिए, उसके पानी के साथ पिया करें, और लगातार पीते जाएं, आपको बहुत फ़ायदा मुमकिन है। बात करते हैं अगले कॉलर से, स्वागत है आपका। हेलो 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 मैम। हाँ जी, क्या नाम है, कहाँ से बात कर रहे हैं? तमेरी। अच्छा, आपका सवाल क्या है? हमारा सवाल ये है कि तंदुरुस्ती सेहत बनाना चाहते हैं आप? हेलो हेलो। हाँ जी बोलिए सर। ठीक है, आप पहले ना टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए, हमें भूख नहीं लगती है, भूख लगने लगी। अच्छी, ठीक है जी। देखिए भूख का एक नुस्खा है बड़ा अच्छा, सौंठ 100 ग्राम, सौंठ 100 ग्राम, आंवला 100 ग्राम, और सूखा हुआ आंवला मिलता है, और धनिया 100 ग्राम, और मेथी 100 ग्राम, ठीक है, और गौन मोरिंगा सफ़ेद 100 ग्राम, गौन मोरिंगा सफ़ेद वाला ही लेना 100 ग्राम। इन सब को पाउडर बनाएं, और एक छोटा चाय का चम्मच सुबह, एक शाम को नाश्ते और खाने से पहले पानी या दूध के साथ लिया करें, आपकी भूख खूब लगेगी, और जो भी खाएंगे वो आपके जिस्म को लगेगा, आपकी सेहत ठीक होना मुमकिन है। अगले कॉलर है पंजाब से, जसवीर, स्वागत है आपका। हेलो। मैं क्या, नमस्कार जी मैडम जी। जी नमस्कार। अच्छा मैडम जी, ऐसा है हम अकीम साहब से बात करना चाहते हैं, जरा करा दो जी। मैं तो बात सुन रहा हूँ आपकी, मेरा भी आदाब आपको। अच्छा आदाब अकीम साहब। अकीम साहब ऐसा है, मेरी मिसेज है, उसकी एज है 78 साल, और इसको तकलीफ है कि ये सुन हो जाता है, सेंट का जिसको आप बोलते हो, साइटी का। हाँ ठीक है। हाँ तो ये 1.5-2 साल से है, इसको पहले लेग में तकलीफ थी लेफ्ट में, उसको ऑपरेट कराया। हेलो। जी जी मैं सुन रहा हूँ। अच्छा तो फिर इसकी राइट लेग जो, इसका गोडा खराब हो गया, तो वो आपसे वो गूंद खा रही है, और इसके बावजूद आपसे बात नहीं पूरी हो पाई, तो हमने आपके वो जो डॉक्टर बैठे हैं ना, उन्होंने मेरे को कुछ नुस्खा लिखाया था, वो शायद ठीक है कि नहीं, मैं आपको कहो तो जरा बता दूं आपको, जरा आप मेरे को राय दे देंगे? जी जी जरूर, मैं राय देने के लिए बैठा हूँ। अच्छा वो ऐसा है, उसमें लिखाया था अलसी, हल्दी, गुलाब, अश्वगंधा, और एक और चीज थी उससे इनको ऐसे थोड़ी तकलीफ भी हुई थी, जहाँ गर्म लगी है उनको, तो इन्होंने खाना बंद कर दिया, क्या वो सुन के लिए यही है कि नहीं? अच्छा देखिए, ये चीजें तो सब अच्छी है, अश्वगंधा नसों को ठीक करता है, और ये गौनसिया दर्द को अच्छा करता है, और हल्दी इम्यूनिटी बढ़ाती है, और अलसी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाती है, तो ये नुस्खा तो अच्छा है, और इसको अगर आप 1-1 ग्राम ले रहे हैं तो अच्छा है, सुबह 1 ग्राम, इन सबको मिक्स करके पाउडर बना के सुबह 1 ग्राम, शाम 1 ग्राम, और अगर आप लाइन पे हैं तो बताएं कितने दिन से आप ले रहे हैं,
ये अक्सर क्या होता है कि आदमी को किसी किसी को शुरू में दर्द बढ़ जाता है तो परेशान हो जाता है। अच्छा होता एक दो लोगों को है 100 में, लेकिन वो परेशानी हो जाती है। दर्द हो तो दर्द की दवा ले लेना, ये दर्द की दवा नहीं है, ये मर्ज की दवा है। और जितना ये मटेरियल आपके पास है ये ख़त्म होने से पहले आपकी पत्नी को फ़ायदा होना मुमकिन है। और इस पर कोई भी दवा ले सकते हैं, दर्द हो तो दर्द की दवा ले सकते हैं, एसिडिटी हो तो एसिडिटी की दवा ले सकते हैं, लेकिन इसकी खुराक 1-1 ग्राम ही रखिए और 2 टाइम खिलाइए, बहुत ज़रूरत हो तब 3 टाइम दे सकते हैं।